पीलीभीत में मुहर्रम पर मुस्लिम समुदाय को डराने धमकाने व जेल भेजने का पुलिस पे आरोप लगाकर मुस्लिम धर्म के लोगों ने बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को दिया। पीलीभीत शहर के लोग जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर कोतवाल नरेश त्यागी मुहर्रम को नौटंकी बता रहे हैं। देखिए, हमें अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, हमें सिर्फ ज्ञापन लिया गया है। जो हम तक हमारे देखिए, मुहर्रम जो है ना, ये जब से 1947 में देश आज़ाद हुआ था तब से लेके ये हमारी एक पारंपरिक विरासत है, जिसको आज शहर कोतवाल के जरिए या पुलिस प्रशासन के कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित हैं मैं नहीं जानता, लेकिन बड़े अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि शहर कोतवाल इस तरह से क्यों कर रहे हैं। वो लोगों के यहाँ जा रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम ताजिया रखो या मत रखो, या नौटंकी तुम्हारी हो या ना हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई शहर की तार ये नहीं होगी, वो नहीं होगा, रास्ता बंद नहीं होगा। हमने आज तक कभी कोई रास्ता बंद नहीं किया है। मुहर्रम के त्यौहार पे आज तक कभी किसी को कोई परेशानी नहीं पहुँचाई गई। ताजिया कहीं होगा तुम जेल में होगे तो तुम सब जेल में हो। क्या बोल रहे हैं? ताजिया अगर रखोगे जितने लोग सब जेल में हो। किसने कहा ये? ये शहर कोतवाल नरेश त्यागी द्वारा कहा गया है जी। हमारे लिए पूरे शहर के तमाम साझेदारों के खिलाफ किया जा रहा है। जानना चाहें क्या मामला था, किससे मिले हैं आप आकर, क्या पूरा? आज हम जिला अधिकारी के लिए लिखित एक ज्ञापन लेके आए थे जो सिटी मजिस्ट्रेट साहब को हमने दिया है। बात यह है कि जो ये लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा जो बदतमीजी हो रही है, जो शाजी में अगर उसमें भी हुई थी, हमने तभी एक लिखित दिया था। और आज फिर इन्होंने जहाँ ताजिए रखे जा रहे हैं, जहाँ, और ये आज का मामला नहीं है, ये सौ साल से चला आ रहा है, जो परंपरा चली आ रही है वहीं रखे, कोई नई परंपरा नहीं है। और उसके बावजूद भी 12:30 बजे रात के पुलिस लड़कों के फोटो मांगती है, पुलिस जो है वो आधार कार्ड मांगती है, लोगों को मुकदमा कहती है मुकदमा कर देंगे, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर देंगे, बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर देंगे। ये जो तरीके से जो माहौल एक बना रहे हैं, ये लोग एक डर और भय का माहौल जो बना रहे हैं, इसके खिलाफ़ आज हम लोग यहाँ आए।